नमस्कार, केपी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। जिलाधिकारी गोविंद रेड्डी ने विश्व बाल श्रम निषेध दिवस को सफल बनाने के निर्देश दिए। किसानों को बीज और खाद की कमी नहीं होने की व्यवस्था करने के लिए विधायक प्रभु जब्बार ने आदेश दिए। फॉरेस्ट इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट मंत्री ईश्वर खंडे ने विकास सौधा में अपने कार्यालय का उद्घाटन किया। जमानत पर बाहर हत्या के आरोपी पुनीत केरे हल्ली ने मंत्री एमबी पाटिल को निशाना बनाया। प्रियंका खड़गे आरडीपीआर विभाग में दागी, अधिकारियों के पीछे पड़े हैं। विदेश में जाकर देश की आलोचना करना राहुल गांधी की आदत, जयशंकर ने कहा 2024 का नतीजा तो वही होगा। यूनिवर्सिटी कैंपस के उद्घाटन को लेकर एलजीसीएम में विवाद, दोनों ने एक साथ किया उद्घाटन, केजरीवाल के खिलाफ हुई नारेबाजी। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। हर साल की तरह इस साल भी 12 जून को जिला प्रशासन विश्व बाल श्रम विरोधी दिवस मना रहा है। जिला कलेक्टर गोविंद रेड्डी ने कहा कि इसे सफल बनाने के लिए सभी को मिलकर काम करना चाहिए। वे गुरुवार को जिला कलेक्टर कार्यालय सभागार में विश्व बाल श्रम विरोधी दिवस पर आयोजित पूर्व बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उपनिदेशक एवं क्षेत्र शिक्षा अधिकारियों ने 12 जून को सुबह 8:30 बजे 8वीं, 9वीं और 10वीं कक्षा के स्कूली बच्चों को एक रैली के रूप में जिला कलेक्टर कार्यालय में लाने और स्कूलों को परिपत्रक वितरित करने के निर्देश दिए। सभी सरकारी और निजी स्कूलों में निष्ठा की शपथ दिलाई गई, तो वहीं जिला कलेक्टर ने जिला श्रम अधिकारियों को निर्देश दिए कि कार्यक्रम में आंगनबाड़ी, पर्यवेक्षकों, भवन निर्माण और अन्य निर्माण कर्मियों की अधिक से अधिक संख्या में भागीदारी सुनिश्चित की जाए। कलान डीगे जत्था कार्यक्रम उस दिन सुबह 9 बजे कलेक्ट्रेट कार्यालय से भगत सिंह सर्कल, बसवेश्वर सर्कल से अम्बेडकर सर्कल, केएम करियप्पा सर्कल से गुजरेगा। इस अवसर पर जिला श्रम अधिकारी श्री हरि देशपांडे, आयुक्त निरीक्षक के सुवर्णा, बाल श्रम परियोजना निदेशक अर्जुन शीतल गेरा और जिला एवं तालुक स्तर के अधिकारी उपस्थित थे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। पूर्व मंत्री और विधायक प्रभु बी चव्हाण ने गुरुवार को औराद बी तालुक के बड़ा गांव डी ग्राम पंचायत परिसर में साल 2023-24 के लिए मॉनसून सीजन बुआई बीज वितरण कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस मौके पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी मौके पर बारिश हो सकती है, किसानों ने अभी से ही बुआई के लिए सभी तरह की तैयारियां पूरी कर ली है। बीज वितरण तत्काल प्रारंभ किया जाए, सभी कृषक संपर्क केंद्रों पर पर्याप्त मात्रा में बुवाई बीज का वितरण किया जाए। उन्होंने कृषि अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी भी किसान को बीज व खाद की कमी नहीं होने दी जाए। किसान संपर्क केंद्र या विभागीय कार्यालय में पहुंचने वाले किसानों के साथ अधिकारी व कर्मचारी नरमी से पेश आए। अनावश्यक विलम्ब, अव्यक्त शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसानों के सहयोग से कार्य किया जाए। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। अब देखते राज्य के अन्य क्षेत्रों के समाचार। कांग्रेस सरकार के फॉरेस्ट इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट मंत्री ईश्वर खंडे ने बेंगलुरु विकास सौधा में आज अपने कार्यालय का उद्घाटन किया। वो आज अपने कार्यालय में पूजा आदि कर प्रवेश किए। इस मौके पर खंडे ने कहा कि वो मंत्री बनने के बाद भालकी उनके निर्वाचन क्षेत्र से उनके समर्थक लगभग 800 किलोमीटर का सफर तय कर बेंगलुरु आकर उन्हें मंत्री बनने पर बधाई दे रहे हैं। मेरे लिए गर्व की बात है कि मेरे समर्थक इतना लंबा सफर तय करा रहे हैं, वो उनका आभारी हूं। कार्यालय में प्रवेश के बाद खड़े ने केपी न्यूज से बात की। संवाददाता असलम खान की रिपोर्ट देखिए। विकास सौदा में ये जो फॉरेस्ट और एनवायरमेंट मिनिस्ट्री का आज जो ऑफिस है, इसका पूजा करके इनॉग्रेट करके आज हम लोग काम प्रारंभ किए हैं। मेरे ऊपर जो भालकी तालुके के जनता, बीदर जिले, राज्य के और हमारे जो नेताएं हैं, मेरे पूज्य पिताजी ने मना कर देश का आशीर्वाद, हमारे पूज्य का आशीर्वाद से आज विधायक बन के मंत्री बन के मैं जनता का सेवा कर रहा हूँ। ये जो हमारा हाईकमान मुझे फॉरेस्ट और एनवायरमेंट का मिनिस्ट्री दिया है, ईमानदारी के साथ ये मिनिस्ट्री में काम करके निभा के कर्नाटक राज्य में ही जो यहाँ पर जंगल है, जंगल का संरक्षण करना, पर्यावरण का संरक्षण करना और यहाँ पर अच्छा शुद्ध पानी, शुद्ध हवा और जो भूमि है, इस भूमि को फिर हमारे आने वाले पीढ़ी को भी अच्छी तरह से, जिस तरह से सुरक्षित है और सुरक्षित रखने का जिम्मेदारी हम सब लोगों का है, तो मैं उस जिम्मेदारी को अच्छी तरह से निभाने के लिए काम करूँगा और लोगों का, जनता का जो भी विश्वास है, प्यार है, मोहब्बत है,
वो सब रख ले के कर्नाटक राज्य को अच्छी तरह से एक अच्छा कीर्ति आना और ईमानदारी से काम करना। सर आपको डिप्टी सीएम देने की मांग की जा रही थी लेकिन नहीं दिया गया, तो पार्टी से नाराज की तो नहीं? बस है, जो भी जिम्मेदारी दिया गया है वो अच्छी तरह से निभाएंगे। सर टीएमडीसी हरियाणा लोन के लिए आप बहुत फाइट करें सर, क्या इन बारे में क्या आवाज उठाएंगे सर? पिछले सरकार में जो सभी समुदाय के खास करके अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के जो भी कार्यक्रम थे उस कार्यक्रम को रद्द कर दिए बीजेपी सरकार, उसको फिर एक बार करने का, केएमडीसी में जो हमारे बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, विद्यार्थिनियां हैं, उनको मदद करने का काम हम करेंगे। सर बीदर का दौरा कब है सर आपका? 12 तारीख को हम बीदर आ रहे हैं जी। और बीदर में जो भी चल रहा है उसके ऊपर निगाह रखे हुए हैं। जिला आयुक्त के साथ हम संपर्क में हैं बीदर जिले के विकास के लिए, नया एक बहुत बड़ा योजना हम बनाएंगे। म्युनिसिपैलिटी दोबारा और बीदर जिले को ही मिला है भैया, बहुत खुशी की बात है। रेंजन जो मैं पहले म्युनिसिपैलिटी का मंत्री था, तो आज जमानत मिलने के कुछ दिनों बाद एक हत्या के मामले में मुख्य संदिग्ध पुनीत केरेहल्ली ने कर्नाटक के बड़े और मध्यम उद्योग मंत्री एमबी पाटिल को धमकी दी है। पुनीत जो एक मुस्लिम मवेशी ट्रांसपोर्टर की हत्या के आरोप में जमानत पर बाहर है, उसे कर्नाटक सरकार की तुलना हिटलर के शासन से करने के लिए हिंदुत्व विचारक चक्रवर्ती सुली बेले को चेतावनी देने के लिए मंत्री को जवाब दिया। पाटिल ने हिजाब और हलाल मुद्दों जैसे पहले के विवादों का जिक्र करते हुए पत्रकारों से बात करते हुए चक्रवर्ती सुलीबेले की टिप्पणियों की निंदा की थी और कहा था कि अगर सुलीबेले ने और नाटक किया तो उन्हें जेल में समय बिताना होगा। लेकिन मीडिया के एक वर्ग ने पाटिल को ये कहते हुए रिपोर्ट किया कि अगर सुलीबेले ने अपनी पूंछ हिलाना बंद नहीं किया तो जेल में समय बिताएंगे। पाटिल की चेतावनी का जवाब देते हुए पुनीत ने हनुमान की पूंछ के प्रतीकवाद का आह्वान किया। फेसबुक पर साझा किए गए एक वीडियो में उन्होंने पाटिल से पूंछ के पीछे नहीं आने का आग्रह किया और कहा कि हनुमान की पूंछ के पीछे आने पर रावण अपनी लंका खो चुका। पाटिल के खिलाफ एक नाटकीय एकालाप की शुरुआत करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि यदि आप इसके लिए आते हैं तो राज्य को पूंछ की ताकत का एहसास होगा। हिंदू पौराणिक कथाओं में हनुमान एक प्रमुख व्यक्ति है जिन्हें अक्सर एक लंबी पूंछ के साथ चित्रित किया जाता है। रामायण में कहा जाता है कि हनुमान की पूंछ को रावण की सेना ने उन्हें वश में करने के प्रयास में आग लगा दी थी, लेकिन हनुमान ने अपनी शक्तियों का उपयोग पूरे लंका शहर को आग लगाने के लिए किया जो कि रावण का गढ़ था। कांग्रेस के मंत्रियों पर भ्रष्टाचार पर नकेल कसने का दबाव है जो एक प्रमुख चुनावी मुद्दा था जिसका इस्तेमाल पार्टी ने विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत दर्ज करने के लिए किया था। चित्तपुर के विधायक प्रियांक खड़गे जो विशाल ग्रामीण विकास और पंचायत राज आरडीपीआर विभाग के प्रमुख हैं, अपनी प्रारंभिक समीक्षा बैठकों के दौरान दागदार अधिकारियों के खिलाफ एक नालदान की खोज के बाद जा रहे हैं। प्रियांक ने पाया कि कर्नाटक रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड केआरआईडीएल के अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के 155 मामले हैं। इनमें लोकायुक्त मामले और विभागीय जांच शामिल हैं, जिनमें से कुछ कई का सालों से लंबित है। मंत्री ने इन मामलों को तार्किक अंत देखने के लिए एक महीने की समय सीमा निर्धारित की है। दागे अधिकारी वापस आकर प्रमुख पदों पर कब्जा करते रहते हैं। कुछ का अनुशासनात्मक कार्रवाई के खिलाफ उच्च न्यायालय से स्टे मिल जाता है, जिसका मतलब है कि सरकार द्वारा सूचीबद्ध अधिवक्ता बहुत अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। अगर लोकायुक्त ने डिक्रीमेंट के रूप में सजा की सिफारिश की है तो एक निवारक के रूप में पर्याप्त मजबूत नहीं है। मैंने अधिकारियों से कुछ जांच और संतुलन बनाने को कहा है। विभागीय जांच के लंबित प्रकरणों का एक माह में निराकरण किया जाना है। उन्होंने कहा कि विभाग को यह सुनिश्चित करना होगा कि कोर्ट ग्रेटेड स्टे को खाली कराया जाए। सरकारी बसों में महिलाओं को मुफ्त बस सेवा प्रदान करने वाली राज्य सरकार की शक्ति योजना का विरोध करते हुए निजी बसों के मालिकों और कर्मचारियों ने तुमकुरू में धरना दिया। मालिकों ने बसों पर निजी बसें बिक रही हैं, पोस्टर चिपकाए और सरकार से उनकी चिंताओं को दूर करने की मांग की। अकेले तुमकुरू जिले में 300 से अधिक निजी बस सेवाएं हैं जो जिला मुख्यालय से कुनिगल, मधुगिरी और पावागढ़ सहित ग्रामीण क्षेत्रों को कनेक्टिविटी प्रदान करती है। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि शक्ति योजना से उनके राजस्व में 50% की कमी आएगी और कारोबार को बनाए रखना असंभव हो जाएगा। हमारे पास केवल दो विकल्प बचे होंगे, या तो ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा प्रदान करना बंद कर दें जहां केएसआरटीसी बस कनेक्टिविटी प्रदान करने में असमर्थ है, या हमारी बसें बेच दें। जिला निजी मालिक संघ के अध्यक्ष एमएस शंकर नारायण ने ये बात कही। यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फॉरन लौटें। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है
धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलेटेड टू गुलबर्गा यूनिवर्सिटी गुलबर्गा। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2022-23। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482127। विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर, बीदर शहर का एकमात्र संस्थान जो बीदर में पिछले 20 सालों से अपनी शैक्षणिक सेवाएं देता आ रहा है। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन के तहत कई स्कूल्स और कॉलेज चलाए जाते हैं जहां पर विद्यार्थियों को योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है और यहां पर विशाल क्लासरूम है। यहां पर गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट मॉडर्न हॉस्टल की सुविधा है और स्वादिष्ट और हेल्दी भोजन की सुविधा है। छात्रों को शांति के वातावरण में पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भी उपलब्ध है और साथ ही बसेस की सुविधा भी उपलब्ध है। अपने शैक्षणिक गुणों के कारण विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बहुत ही कम समय में ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं तो विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में शिक्षा दिलाएं, जहां पर पीयूसी के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। विजडम पीयू कॉलेज फॉर साइंस में साल पीयूसी सेकेंड ईयर का शानदार रिजल्ट आया है और यहाँ के 110 बच्चों को नीट के माध्यम से एमबीबीएस की फ्री सीट प्राप्त हुई है। यहाँ के छात्र जियाउल हसन वीटीयू गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं और उन्होंने आईआईटी दिल्ली में अपने नाम की सीट सुरक्षित कर ली है। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराइए, याद रखिए। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन हेड ऑफिस नियर बसवेश्वर सर्किल बिसाइड न्यू कमान बिहाइंड उर्दू हॉल तालीम सिद्दीक्षा बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 9113018911 8217411186। टोल फ्री नंबर 1800123947। वेबसाइट www.wisdominstitutions.com। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। विदेश मंत्री अजय शंकर ने राहुल गांधी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि ये तो उनकी आदत है कि जब वो बाहर जाते हैं तो वे देश की आलोचना करते हैं, देश की राजनीति के बारे में टिप्पणी करते हैं। अगर देश में लोकतंत्र नहीं होता तो चुनाव कैसे होते? उनको लगता है बाहर का समर्थन भारत में चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। विदेश मंत्री अजय शंकर मोदी सरकार की विदेश नीति के 9 साल पूरे होने के मौके पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। जयशंकर ने कहा कि दुनिया हमें देख रही है और वे क्या देख रहे हैं। चुनाव होते हैं, कभी कभी एक पार्टी जीत जाती है और कभी कभी दूसरी पार्टी जीत जाती है। अगर देश में लोकतंत्र नहीं है तो ऐसा बदलाव नहीं आना चाहिए। सभी चुनाव के नतीजे समान होने चाहिए। 2024 का परिणाम तो वही होगा, हमें पता है। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, वो देश के अंदर जो कुछ भी करते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि राष्ट्रीय राजनीति को देश से बाहर ले जाना राष्ट्रहित में है। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष एवं पूर्व सांसद राहुल गांधी ने हाल ही में अमेरिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना की थी और विभिन्न मोर्चों पर सरकार की नीतियों को लेकर उन पर निशाना साधा था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी तथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस को भविष्य की ओर देखने में अक्षम करार दिया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा था कि वो केवल पीछे रियर व्यू मिरर देखकर भारतीय कार चलाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे एक के बाद एक हादसे हुए। उनकी आदत है कि वो जब बाहर जाते हैं कि वो देश की आलोचना करते हैं, हमारी राजनीति के बारे में टिप्पणी करते हैं। तो जो आपका प्रश्न है कि दूसरों पे इसका क्या असर पड़ता है, अब दुनिया हमें देख रही है और दुनिया क्या देख रही है? दुनिया देख रही है कि इस देश में चुनाव होते हैं, चुनाव में कभी एक पार्टी जीतती है, कभी दूसरी पार्टी जीतती है। तो अगर देश में डेमोक्रेसी नहीं है तो ये ऐसा परिवर्तन तो आना नहीं चाहिए ना। हर चुनाव का रिजल्ट एक ही होना चाहिए। वैसे 24 का चुनाव रिजल्ट तो वही होगा, हमें पता है। हाँ, पर अगर आप देखें जो ये पूरा नैरेटिव जो है,
ये हमारे यहाँ एक देश में नैरेटिव बना है और जब ये नैरेटिव देश में नहीं चलता या कम चलता है तो इसको बाहर ले जाते और उनकी अपेक्षा। दिल्ली सरकार और दिल्ली एलजी के बीच एक बार फिर नया विवाद उठ खड़ा हुआ है। इस बार ये विवाद दिल्ली सरकार की ओर से बनाए गए गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के नए कैंपस के उद्घाटन को लेकर हुआ। गुरुवार को यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का उद्घाटन किया गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना दोनों ही गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन करने पहुंचे। बाद में दोनों ने मिलकर यहां इस नए परिसर का उद्घाटन किया। इससे पहले बुधवार को कैंपस के उद्घाटन की जानकारी शेयर करते हुए आम आदमी पार्टी ने बताया था कि कैंपस का उद्घाटन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा किया जाएगा। वहीं राजनिवास का कहना है कि इसके उद्घाटन के लिए एलजी वीके सक्सेना से समय मांगा गया था और एलजी कैंपस का उद्घाटन करने पहुंचे थे। इस बीच कुछ अति उत्साही कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री केजरीवाल के यहां पहुंचने पर उनके खिलाफ नारेबाजी भी की। आईपी यूनिवर्सिटी ईस्ट कैंपस को लेकर एलजी के दावों पर शिक्षा मंत्री आतिशी का कहना है कि चुनी हुई सरकार के काम का श्रेय लेने की भूख में एलजी को यह नहीं भूलना चाहिए कि शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा सभी स्थानांतरित विषय हैं। केजरीवाल सरकार इन तीनों क्षेत्रों पर पिछले 8 सालों से लगन से काम कर रही है। आज आप दिल्ली की सड़कों पर जाएं और किसी से भी नागरिक से पूछें कि दिल्ली में शिक्षा क्रांति किसने लाई तो वे कहेंगे अरविंद केजरीवाल। वे ये नहीं कहेंगे कि भाजपा द्वारा नियुक्त एलजी ने शिक्षा पर काम किया। काश अगर इन नारों से शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो सकती तो मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है। एनसीबी के पूर्व जनरल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने समीर वानखेड़े के सीबीआई अरेस्ट पर 2 हफ्तों की रोक लगा दी है। अब इसके बाद सीबीआई 2 हफ्तों तक वानखेड़े को गिरफ्तार नहीं कर सकेगी। वहीं कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 23 जून की तारीख तय की है। बता दें कि सीबीआई आर्यन खान केस में वसूली के मामले में समीर वानखेड़े के खिलाफ जांच कर रही है। इससे पहले समीर वानखेड़े ने मुंबई पुलिस कमिश्नर को एक चिट्ठी देकर सुरक्षा की मांग की थी। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों से उन्हें और उनकी पत्नी को जान से मारने की धमकियां मिल रही है। वानखेड़े ने एक प्रतिनिधि के माध्यम से दक्षिणी मुंबई में पुलिस कमिश्नरेट को ये चिट्ठी भेजी। सीबीआई ने अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को कोडिलिया क्रूज मादक पदार्थ मामले में नहीं फंसाने के लिए बॉलीवुड अभिनेता से कथित रूप से 25 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगने के आरोप में वानखेड़े और 4 अन्य के खिलाफ 11 मई को मामला दर्ज किया था। वानखेड़े के खिलाफ कथित आपराधिक साजिश और जबरन वसूली की धमकी के साथ ही भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत रिश्वत से संबंधित प्रावधानों के लिए मामला दर्ज किया गया। सीबीआई ने वानखेड़े से शनिवार और रविवार को मामले के सिलसिले में पूछताछ की थी। भारतीय राजस्व सेवा आईआरएस अधिकारी वानखेड़े ने दावा किया कि उन्हें और उनकी पत्नी क्रांति रेडकर को पिछले 4 दिन से सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकियां मिल रही है और आपत्तिजनक संदेश भी मिल रहे हैं। महाराष्ट्र में औरंगजेब महिमा मंडन का विवाद बढ़ता ही जा रहा है। इस मामले में राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में एक साथ औरंगजेब का महिमा मंडन हो रहा है। इस सब अचानक नहीं हो सकता है, ये सिर्फ एक संयोग नहीं है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में औरंगजेब का महिमा मंडन करने वाले कहां से आ गए, कौन इन्हें बढ़ावा दे रहा है, कौन इन्हें महिमा मंडन करने के लिए कह रहा है। उन्होंने कहा कि इस मामले के तह तक जाएंगे और इसकी जांच की जाएगी। बता दें कि महाराष्ट्र में पहले अहमदनगर में औरंगजेब के पोस्टर लहराए गए, जिसके बाद कोल्हापुर में मंगलवार को औरंगजेब के समर्थन में कुछ नाबालिग मुस्लिम लड़कों ने स्टेटस लगाया। इसके बाद शहर में तनाव पैदा हो गया। इसी क्रम में हिंदू संगठनों ने आज कोल्हापुर बंद का ऐलान किया। इससे पहले मंगलवार को ही अहमदनगर जिले में हिंदू संगठनों के भगवा मोर्चे पर कुछ शरारती तत्वों ने पथराव किया, जिसके बाद मोर्चे में शामिल हिंदू संगठन के लोगों ने भी पथराव किया। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि सोचने वाली बात यह है कि कोल्हापुर में विपक्ष के बड़े नेता कहते हैं कि मुझे मालूम है कि यहां दंगे करने की कोशिश हो सकती है। उसके बाद कुछ युवा औरंगजेब और टीपू सुल्तान का महिमा मंडन करते हैं। उन्होंने कहा कि इस बयान और इन घटनाओं का कोई संबंध है क्या? अचानक इस तरह से अलग अलग जिलों में औरंगजेब और टीपू सुल्तान का महिमा मंडन शुरू होना, ये कोई ऐसे ही शुरू नहीं होता है, ये कोई संयोग नहीं है। उस पर से विपक्ष के नेताओं का बार बार कहना कि दंगे हो सकते हैं और उसके बाद धर्म विशेष के लोगों द्वारा औरंगजेब का महिमा मंडन करना, ये कोई संयोग नहीं हो सकता है, इसलिए इसके तह तक जाना जरूरी है। यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फॉरन लौटेंगे।
हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवाल, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलेटेड टू गुलबर्गा यूनिवर्सिटी गुलबर्गा। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2022-23। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482127। विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर, बीदर शहर का एकमात्र संस्थान जो बीदर में पिछले 20 सालों से अपनी शैक्षणिक सेवाएं देता आ रहा है। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन के तहत कई स्कूल्स और कॉलेज चलाए जाते हैं, जहां पर विद्यार्थियों को योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है, और यहां पर विशाल क्लासरूम है। यहां पर गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट मॉडर्न हॉस्टल की सुविधा है, और स्वादिष्ट और हेल्दी भोजन की सुविधा है। छात्रों को शांति के वातावरण में पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भी उपलब्ध है, और साथ ही बसेस की सुविधा भी उपलब्ध है। अपने शैक्षणिक गुणों के कारण विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बहुत ही कम समय में ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं तो विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में शिक्षा दिलाएं, जहां पर पीयूसी के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। विजडम पीयू कॉलेज फॉर साइंस में साल पीयूसी सेकेंड ईयर का शानदार रिजल्ट आया है, और यहाँ के 110 बच्चों को नीट के माध्यम से एमबीबीएस की फ्री सीट प्राप्त हुई है। यहाँ के छात्र जियाउल हसन वीटीयू गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं, और उन्होंने आईआईटी दिल्ली में अपने नाम की सीट सुरक्षित कर ली है। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराइए, याद रखिए। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन हेड ऑफिस नियर बसवेश्वर सर्किल बिसाइड न्यू कमान बिहाइंड उर्दू हॉल तालीम सिद्दीक शाह बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 9113018911 8217411186। टोल फ्री नंबर 1800123947। वेबसाइट www.wisdominstitutions.com। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब देखते हैं समाचार विदेश के। रूसी मिसाइल के कहर से यूक्रेन के टूटे नोवाक काखोवका बांध के बाद डीप्रो नदी ने विकराल रूप धारण कर लिया है। नदी में भीषण बाढ़ से आसपास के कई इलाके डूबने लगे हैं। हजारों लोगों ने तेजी से पलायन शुरू कर दिया है। बाढ़ की चपेट में आकर मकान, दुकान, पेड़ तक बहने लगे हैं। एक ऐसे मकान की छत डीप्रो नदी में बहते देखी जा सकती है। किसी व्यक्ति ने नदी में बहते छत का वीडियो बनाया है। तस्वीरें देखकर रूह कांप जाएगी। डीप्रो नदी में ही नोवा काखोवका बांध बनाया गया। रूस ने अभी दो दिन पहले ही इस बांध को घातक मिसाइल हमले में रणनीति के तहत उड़ा दिया है। इसे यूक्रेन में खलबली मच गई है। रूस यूक्रेन युद्ध को करीब 16 माह बीत चुके हैं। इस दौरान विदेशी हथियार मिलने के बाद यूक्रेन ने युद्ध में जबरदस्त वापसी की है। यही वजह है कि यूक्रेन ने मास्को पर पुतिन को निशाना बनाते हुए दो बार ड्रोन हमले का साहस दिखाया। यूक्रेन ये जताना चाहता है कि उसे रूस हल्के में न ले, वो जब चाहे तब मास्को तक में तबाही बचाने में सक्षम है। हालांकि दोनों ही ड्रोन हमलों की यूक्रेन ने जिम्मेदारी नहीं ली थी, लेकिन रूस ने यूक्रेन पर आतंकी हमले का आरोप लगाया था। रूसी सेना के हावी होने के बाद यूक्रेन का हौसला डगमगाने लगा है, मगर वो फिर से रूस पर पलटवार कर रहा है ताकि रूस उसे कमजोर न समझे। बखमूत में बढ़त बनाने के बाद अब रूस यूक्रेन के अन्य इलाकों पर कब्जा चाहता है। डीप्रो नदी पर बने डैम को उड़ाना रूस की युद्धक रणनीति का बड़ा हिस्सा है। इसे करीब 50,000 लोग बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। लोग घरों को खाली कर भाग रहे हैं। पोप फ्रांसिस इन दिनों एक गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। इसके चलते उनकी एक बड़ी सर्जरी की जाने वाली है। इस वजह से पोप फ्रांसिस को बुधवार को यहां एक अस्पताल लाया गया।
जहां वो कई दिनों तक भर्ती रहेंगे। वेटिकन ने ये जानकारी दी। डॉक्टर्स के अनुसार वो फ्रांसिस के आंतों की सर्जरी की जाएगी। फ्रांसिस ने 2 साल पहले बड़ी आंत के संकुचन से होने वाली परेशानी से निजात पाने के लिए 33 सेंटीमीटर लंबाई या अंदरूनी अंग शरीर से निकलवा दिया था। वेटिकन ने एक बयान में कहा कि बुधवार को रोम के गैबेली अस्पताल में होने वाली सर्जरी से पहले उन्हें सामान्य एनेस्थीसिया दिया जाएगा। फ्रांसिस अपनी कार से पूर्वाहन 11 बजे वेटिकन से रवाना हुए और करीब 20 मिनट बाद अस्पताल पहुंच गए। वेटिकन के अनुसार आंत में बार बार होने वाले संकुचन के उपचार के लिए पोप की लेप्रोटोपी सर्जरी की जाएगी। बयान में कहा गया है कि फ्रांसिस पूर्व की सर्जरी के कारण इस समस्या से जूझ रहे हैं। इसमें कहा गया है कि अस्पताल में उन्हें कई दिनों तक रहना पड़ेगा ताकि वो रोग से पूरी तरीके से उबर सके। जांच कराने के लिए वो मंगलवार को भी अस्पताल गए थे। अब एक नजर फिल्मी समाचारों पर। द केरला स्टोरी के बाद अब अजमेर 92 फिल्म पर शुरू हुआ बवाल। राजस्थान में रोकी गई शूटिंग। अब समाचार खेल जगत से है। टेस्ट क्रिकेट में पहली बार हुआ ये कारनामा। रोहित शर्मा और पैट कमिंस ने रच दिया इतिहास। आखिर में देखते हैं समाचार बाजार के। दवाई का खर्च घटाने के लिए मोदी सरकार ने उठाया बड़ा कदम। अब गांव गांव मिलेगी सस्ती दवाएं। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। जिलाधिकारी गोविंद रेड्डी ने विश्व बाल श्रम निषेध दिवस को सफल बनाने के निर्देश दिए। किसानों को बीज और खाद की कमी नहीं होने की व्यवस्था करने के लिए विधायक प्रभु जब्बार ने आदेश दिए। फॉरेस्ट इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट मंत्री ईश्वर खंडे ने विकास सौधा में अपने कार्यालय का उद्घाटन किया। जमानत पर बाहर हत्या के आरोपी पुनीत केरेहल्ली ने मंत्री एमबी पाटिल को निशाना बनाया। प्रियांक खड़गे आरडीपीआर विभाग में दागी अधिकारियों के पीछे पड़े हैं। विदेश में जाकर देश की आलोचना करना राहुल गांधी की आदत। जयशंकर ने कहा 2024 का नतीजा तो वही होगा। यूनिवर्सिटी कैंपस के उद्घाटन को लेकर एलजी सीएम में विवाद। दोनों ने एक साथ किया उद्घाटन। केजरीवाल के खिलाफ हुई नारेबाजी। केपी न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।